हेलो दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कैसे जनरेट कर सकते हैं जियो सिम के लिए बार कोड किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस से, चाहे वो 3G हो या 4G। तो वैसे भी अब तो सारे 4G डिवाइसेस को अलाउ कर दिया है, लेकिन कुछ 4G डिवाइसेस अभी भी जनरेट नहीं कर पाते बार कोड को। तो मैं आपको बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक बताऊँगा कैसे आप जनरेट कर सकते हैं बार कोड को किसी भी 4G डिवाइस में, और हाँ, एट द एंड 3G डिवाइस में भी। चलिए, सबसे पहले आप जो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है वहाँ से आप MyJio ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैं अभी, मेरे पास मेरे Redmi 3S Prime में है, मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ Lenovo A6000 में, जो एक LTE डिवाइस है, लेकिन वो नहीं जनरेट कर पा रहा किसी वजह से नई वर्जन की MyJio ऐप के साथ बार कोड। इसके लिए मैं एक अपने दिए हुए वर्जन के साथ जनरेट कर रहा हूँ। तो पहले आप डाउनलोड कर लीजिए उस वर्जन को और इंस्टॉल कीजिए। ये अलाउ हो गया, जस्ट रिसीव, बस MyJio। होप यू एंजॉयड द म्यूजिक। तो पहले मैंने इंस्टॉल कर दिया ये एप्लीकेशन, एक्चुअली अभी मैं ओपन करूँगा इसे। ओपन करते ही ये इंस्टॉल जियो ऐप्स करके आपको इधर दिखाएगा। आप एक बार एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, नेट कनेक्टिविटी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एप्लीकेशन को एक बार बंद कर दीजिए। जैसे ही आप बंद करोगे, उसके बाद सब बैकग्राउंड में सब क्लियर कर दीजिए, कुछ भी नहीं रखिए। बस अब अपना नेट जोड़िए, चाहे आपके पास डेटा हो तो डेटा ऑन कीजिए, वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं। बस कनेक्ट करने के बाद MyJio का एप्लीकेशन खोल दीजिए। MyJio का एप्लीकेशन खोलने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको गेट जियो सिम करके ऑप्शन दिखेगा। देखिए, हाँ, ये ही चाहिए आपको। जैसे ही आपको ये मिल जाए, बस प्रेस कर दीजिए इसे, और ये रहा आपका जियो प्रीव्यू ऑफर। अब आपको पता ही है आगे क्या करना है, आप बस क्लिक कर दीजिए आगे। जैसे प्रोसीजर पूरा लिखा, पूरा पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ लिया, बस अपने लोकेशन सेट कर दीजिए। अरे ये पीछे, हाँ जी, ऑटोमेटिक लोकेशन ले लिया इसने, कोई बात नहीं। अब बस आप अपना लोकेशन और ये सारी चीज़ें और ये फॉर्मेलिटी पूरी, और बस अपना इसी तरह कोड जनरेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार ये गैलरी में सेव तो करता है, लेकिन सेफ्टी के लिए एक होना चाहिए बैकअप में, स्क्रीनशॉट रख दीजिए। स्क्रीनशॉट हो जाने के बाद बस आपका ख़त्म, आपकी प्रोसेस ख़त्म। अब आप बस प्रिंट लेके अपने ऐप बार कोड का और बाकी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पता चल जाएगा। आधार कार्ड इज इनफ, और बस इतना काफ़ी। आधार कार्ड के बाद आप बस अपने लोकेशन देख सकते हैं, आपके पास अगर कोई जियो स्टोर पास में हो तो बस अपना पिन कोड एंटर कर दीजिए और सर्च कीजिए। मैं करता हूँ 39009 और सर्च कर दीजिए आपका पिन कोड डालकर। आपको लिस्ट व्यू में देखिए, आपको पूरा आपके आजू बाजू जितने भी एरियाज़ में स्टोर होंगे, मिनी एक्सप्रेस, डिजिटल या रिलायंस के स्टोर, वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से फ्री में रिलायंस का सिम ले सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 3G डिवाइस में भी जनरेट कर ऑफ़र कोड फॉर जियो सिम। दोस्तों, यह है सोनी का एक्सपीरियंस ZR। तो मैं आपको बताऊँगा, ये एक 3G फ़ोन है, मैं आपको बताऊँगा इसमें आप कैसे जियो सिम के लिए कोड जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी, इस 3G डिवाइस में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है MyJio ऐप की, आप वहाँ से MyJio ऐप इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद इंस्टॉल जियो ऐप्स करके जो ऑप्शन है वो यूज़ करके आप सारे के सारे इंस्टॉल कीजिए, एक भी ऐप नहीं छोड़िए। देख, अभी भी बोलता हूँ, सारे के सारे ऐप्स आपको इंस्टॉल करने, एक भी ऐप नहीं छोड़ना। और जैसे आपके सारे ऐप इंस्टॉल हो जाए, बस एक बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दीजिए, और इतना ध्यान रखिए कि आप नेट नहीं कनेक्ट करेंगे जब रिस्टार्ट करेंगे वापस एप्लीकेशन को। हाँ जी, नेट नहीं कनेक्ट करना, इसलिए डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप वापस से MyJio ऐप ओपन कीजिए। MyJio, अब वेट कीजिए। देखिए, नो इंटरनेट कनेक्शन और ऑप्शन चला गया इंस्टॉल जियो। अभी MyJio को ओपन कीजिए, देखिए खुल गया, गेट जियो सिम का ऑप्शन आ गया, ये 3G डिवाइस में आ गया गेट जियो सिम का। अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो अभी आपको देखिए सारे के सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे मैंने, एक भी नहीं छोड़ा था। अब ऐसे ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अभी भी नेट कनेक्ट नहीं है, हाँ के सारे एप्लीकेशन आ गए। बस
आपको ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। पहले मुझे अपने नेट को कनेक्ट करना है और एट द सेम टाइम गेट जियो सिम का ऑप्शन प्रेस करना है। तो बस थोड़ा सा टाइम मिलेगा, नहीं तो अपडेट मांगेगा। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे करना है। ये इंटरनेट कनेक्शन, ये मेरा वाईफाई जुड़ गया। जैसे जुड़ गया बस जल्दी से गेट जियो सिम को प्रेस कर दिया और ये देखिए आ गया। ये यस, यही चाहिए मेरे को गेट जियो सिम का ऑप्शन। और 3G डिवाइस में बस आप लोकेशन सेट कर दीजिए जैसे अभी सेटिंग्स है सारी। और आपको पता ही आगे की प्रोसेस क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात, जो 3G डिवाइस में अपने कोड मिल नहीं रहा था वो भी मिलने लगा है अभी। अब इस ट्रिक से आप 3G डिवाइस में भी आप जनरेट कर सकते हैं कोड अपने। हाँ, यहाँ की सिम तो नहीं चला सकते, बाकी आपको सिम मिल जाएगा, आप किसी भी 4G डिवाइस में चला सकते हैं उसे। अगर एक बार में आपका कोड जनरेट नहीं होता है तो आप वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, नेट डिस्कनेक्ट करके। और अगर कभी कभी मैंने देखा कि किसी 4G डिवाइसेस में भी गेट जियो सिम जैसे मैंने बताया वैसा नहीं आ रहा होता, तो आप जैसे मैंने 3G डिवाइस के लिए बताया सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, उसमें भी आ जाएगा। इफ़ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।